The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Namaskar, aadab, sat sri akaal, dosto, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aaj baat karenge चाय के बारे में. जी हाँ, आपके घर में बनने वाली चाय, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान है, कितनी पीनी चाहिए, कितनी नहीं पीनी चाहिए. इसकी एक्चुअली में बीमारियों में भी बहुत बेनिफिशियल है. आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट और इवन पार्किंसंस डिजीज़, बोन्स के लिए और कैंसर के लिए भी ये फायदेमंद है. तो आज का वीडियो जान के आपको खुशी होगी, लेकिन इसके कई सारी चीज़ों में फायदे नहीं भी है और कुछ नुकसान भी है, तो इसको समझना आपको ज़रूरी है. तो कृपया इस वीडियो को देखिए. चाय सभी पीते हैं, काली चाय. काली चाय जो है वो बेसिकली चाय का एक प्लांट होता है जिसका नाम है कैमेलिया सेनेंसिस. सो ये जो है, इसकी जो उम्र हो जाती है उसकी पत्तियों की या उसके स्टेम की, तो उससे दवाइयाँ भी बनती हैं, चाय भी बनती हैं. ग्रीन टी जो है फ्रेश लीव से बनती हैं, इसी पौधे के जो जिसके अंदर थोड़ी बहुत अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसी की पत्तियाँ जो है वो एज्ड हो जाती हैं तो ब्लैक टी हो जाती है. तो यही फ़र्क है ब्लैक टी और ग्रीन टी में. और ग्रीन टी के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी है मेरा. ब्लैक टी जो है ये ज़्यादातर मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने की मदद करती है. आप इसे पढ़ाई से पहले लेते हैं, लर्निंग मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स, आपकी अलर्टनेस एक स्टिमुलेंट है, और कुछ कंडीशंस में आपके हेडेक में भी ये फ़र्क पहुंचाती है. लो ब्लड प्रेशर में हाई करती है, हाई ब्लड प्रेशर को भी मदद करती है, और कई बार ये दिमाग की बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज़ में भी मदद करती हैं. ऑल्दो बहुत सारा ट्रीटमेंट जैसे काम नहीं है, मदद वाला काम है. ब्लैक टी को ठंडे यानी हॉट बेवरेज और कोल्ड बेवरेज के हिसाब से भी लिया जाता है. अब सवाल पैदा होता है कि ये किस चीज़ में इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रूवन इफेक्टिवनेस है इसका मेंटल अलर्टनेस है. चाय पीने के बाद अलर्ट हो जाते हैं, रात को भी जब आप चाय पीते हैं तो 4-6 घंटे तक कैफीन का असर आपके शरीर में होता है, नींद भी अच्छे से नहीं आती है, और आप पढ़ाई कर पाते हैं या जो भी आप करते हैं वो काम कर पाते हैं. लोग इसको एक्सरसाइज करने से पहले भी कैफीन लेते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज में अपना अलर्टनेस बढ़ा के अच्छे से एक्सरसाइज करें. आपकी इंक्रीज बेसिकली कैफीन में आप में एक स्टिमुलेंट है, अटेंशन इम्प्रूव करता है, और स्लीप को गिराएगा. तो शाम को, रात को अगर लेते हैं तो नींद का प्रॉब्लम हो सकता है. सो 4-6 घंटे तक उसमें से आपका इफेक्ट रहेगा, तो याद रखिएगा रात को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ना लें. अब दूसरी चीज़ें किस किस चीज़ में, मैंने कहा ब्लड प्रेशर. जी हाँ, लो ब्लड प्रेशर के केस में जब आप ऐसी चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है. लो ब्लड प्रेशर में तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए घर पे चाय पी सकते हैं, नमक शक्कर का घोल ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं. हार्ट अटैक वाले केसेस में जो लोग रेगुलरली चाय पीते हैं उनमें देखा गया है कि उनको भी कुछ रिस्क कम हो जाता है हार्ट अटैक का. उसका कोई एज सच बहुत ज़्यादा भयंकर इफेक्ट नहीं है, हल्का सा इफेक्ट है. तो चाय पीने वालों का हार्ट रेट थोड़ा तेज़ चलता है, हार्ट थोड़ा तेज़ हो जाता है, रेगुलरली चाय पीते हैं तो एक तरीके से जो लोग इनएक्टिव हैं उनकी हार्ट रेट थोड़ी तेज़ हो जाती है, जो एक्टिव है उनके लिए उनकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है, एक्सरसाइज कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है. सो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, कोई डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट का इफेक्ट नहीं है. ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का ब्रिटल हो जाना, वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, उसमें देखा गया है जो लोग चाय कम पीते हैं उनसे कंपेयर करने पे, ये अर्ली रिसर्च है, बहुत गहरा रिसर्च नहीं है, जो लोग चाय कम पीते हैं और जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उनमें जो ज़्यादा पीते हैं उनकी बोन्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर देखी गई हैं, ये रिसर्च में देखा गया है. तो चाय ज़्यादा पीने से आपको हिप फ्रैक्चर का, बुढ़ापे में हिप फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाएगा. तो चाय पिया करो भाई, बहुत ज़रूरी है. फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होता है, बहुत बहुत कॉमन चीज़ है. जो फीमेल्स रेगुलरली चाय पीती हैं, रेगुलर चाहे ब्लैक टी चाहे ग्रीन टी, उनके केस में इट अपीयर्स टू हैव लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर कंपेयर टू पीपल हु डोंट ड्रिंक और रेयरली ड्रिंक टी. कारण नहीं पता अगेन, बट यस, चाय के अंदर कुछ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दैट इज़ वन पॉसिबल रीज़न. पार्किंसन डिजीज़ यानी कि ब्रेन की ऐसी बीमारी जिसमें कि इंसान को झटके आते हैं, और उस केस में भी चाय पीने वाले जो हैं वो आप अगर रेगुलरली चाय पीते हैं तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पार्किंसंस अमंग दोज पीपल्स, जो लोग पीते हैं. ठीक है, तो चाय पीना आपके लिए हेल्पफुल है. उसी तरह से स्मोकिंग आपके लिए बहुत अनहेल्पफुल है, जो स्मोकिंग करते हैं वो उल्टा जाएगा. याद रखिए एक पर्टिकुलर फैक्टर काम अकेला नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स हैं. सो एक अच्छी चीज़ और 10 बुरी चीज़ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला. सो इट्स लाइक दैट. सो और दूसरी, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, पॉसिबली
अब ये चीज है जो मैंने बताई, इसमें अर्ली रिसर्च में प्रूवन बेनिफिट्स देखे गए हैं। अब पॉसिबल बेनिफिट्स इसके ब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर में भी पॉसिबल बेनिफिट्स इसके आ सकते हैं, और डायबिटीज में भी पॉसिबल बेनिफिट्स हैं। अर्ली रिसर्च में देखा गया है इट कैन इंप्रूव लिटिल बिट ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और तो कैंसर में फर्क पड़ेगा, किसी भी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के कैंसर, लंग, स्टमक, इसोफेगल कैंसर्स में फर्क पड़ सकता है, और हार्ट डिजीज में फर्क पड़ सकता है। एथरोस्क्लेरोसिस वाले केसेस में भी देखा गया है कि अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं, तो रेगुलर चाय पीते हैं, ज्यादा मतलब 2-3 चाय से ज्यादा नहीं, और तो आपका एथरोस्क्लेरोसिस का रिस्क भी थोड़ा कम होता है। दांत में केरीज का रिस्क जो है वो भी कम रहता है। ब्लैक टी जो है, अगर कोई कई लोग रिंस करते हैं, गरारे करते हैं काली चाय से, तो वो प्रिवेंट कर सकता है केरीज, दांत की प्रॉब्लम्स। डायरिया में आप वाटरी स्टूल्स में ब्लैक टी लेने से डायरिया जो है वो कम हो सकते हैं डायरिया, और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी कम होने के चांसेस हैं, मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। सो कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। किडनी स्टोन्स में जो लोग चाय पीते हैं उनके स्टोन बनने के रिस्क कम हो सकते हैं, बिकॉज एक तरीके से डायूरेटिक भी होता है चाय, सो चाय भी डायूरेसिस, पानी ज़्यादा, पेशाब ज़्यादा आएगा। वैसे किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर भी कम कर सकता है, मोटापे को भी थोड़ा बहुत कम कर सकता है। अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, मगर एक बहुत छोटा फैक्टर है, एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। सो जैसे कि खाने में नमक डालें और साथ में चाट मसाला डालें तो नमक, नमकीनपन खाने का बढ़ सकता है, तो वैसे ही ये है कि एक अच्छी चीज के बाद में अगर आप अपने डाइट में चाय भी डाल दें, अपने हेल्थ में चाय भी डालें, तो एक आपका हेल्थ का बेनिफिट और बढ़ सकता है। सो एक छोटा इफेक्ट है आपका, स्ट्रेस में भी फायदा देगा, हेडेक में फायदा देगा आपको, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके सेफ्टी लेवल्स भी हो सकते हैं। सो चाय जो होती है उसके अंदर 2-4% कैफीन होता है, 2-4% जो आपके थिंकिंग अलर्टनेस और इवन आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा सकता है, जैसे मैंने बताया डायूरेसिस होता है उससे, और कैन एक्चुअली रिड्यूस थोड़ा ब्रेन के सिम्टम्स को बेटर करता है। सो इट ऑल्सो हैज एंटीऑक्सीडेंट्स, और उसी वजह से ये आपके हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद देखा गया है। मगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप चाय पियेंगे, कितना, 5 कप से ज़्यादा, अगर 5 कप से ज़्यादा पियेंगे तो ये पॉसिबली आपके लिए अनसेफ हो सकता है। सो इतनी ज़्यादा नहीं पिए, 2-4 बहुत है कप चाय और कॉफ़ी और से आधी, बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कॉफ़ी जो होती है उसमें कैफीन की मात्रा चाय से डबल होती है। सो अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे तो आपको अगेन उसमें उल्टा हेडेक बढ़ सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, जिटरीनेस हो सकती है, उल्टा डायरिया, गैस प्रॉब्लम, खट्टे डकार, इरिटेबिलिटी, हेडेक्स, ट्रिमर्स, हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट बर्न बढ़ जाना, डिजीनेस, कान में, ईयर में अजीब साउंड आना, ऐसी चीज़ें आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स नहीं लेना होता है। तो ड्रिंकिंग अ वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ ब्लैक टी कंटेनिंग मोर देन 10 grams ऑफ कैफीन इज वेरी वेरी पॉसिबली अनसेफ। ये भी आपको गैस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा ना लें। नॉर्मली ये चाय सभी के लिए सेफ होती है एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। एंजाइटी वाले पेशेंट्स या किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो वो लोग ज़्यादा ना लें चाय की चाय, और एंजाइटी वाले पेशेंट्स अपने धड़कन जो है बढ़ सकती है उनकी, तो वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कुछ दवाइयों के साथ इंटरेक्शन इसका बढ़ जाता है, दारू के साथ इसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप दारू पीते हैं तो दारू जो है इसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और आपको इसका इफेक्टिव, इसका जो स्टिमुलेंट फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिटरीनेस और ये नो। और वैसे ही अगर ईस्ट्रोजन जैसी कोई दवाई लेते हैं तो ईस्ट्रोजन रिड्यूसेस हाउ क्विकली योर बॉडी ब्रेक डाउन कैफीन्स, और उसके वजह से उसके साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक तरीके से डोसेज बढ़ जाएगा मान लीजिए, सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ जाएगा ये मान लीजिए। तो डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आप इसको अवॉइड करें, और ब्लड क्लॉटिंग की मेडिसिन ले रहे हैं तो चाय कम रखें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी स्टिमुलेंट मेडिसिन इसके साथ डबल इफेक्ट करके स्टिमुलेट करेगी। डायूरेटिक दवाई लेते हैं तो चाय कॉफ़ी जो है डायूरेसिस अपने आप बढ़ाएगी, तो पानी ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगेन वाटर ज़्यादा निकलेगा। तो इस प्रकार की दवाइयाँ अल्कोहल के साथ या सेडेटिव्स के साथ चीज़ें ना लें, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं वो भी आपके अल्कोहल के जैसा, उसको बर्थ कंट्रोल रिड्यूसेस द बॉडीज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कैफीन, वो भी आपके कैफीन के का जो इफेक्ट है बढ़ा देगा। बर्थ कंट्रोल, अल्कोहल, ईस्ट्रोजन, ऐसी कुछ चीज़ें साथ में ना लें। और बहुत सारे जो हर्बल हर्ब्स आते हैं जैसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे बिटर ऑरेंज हो गया, कुछ और स्टिमुलेटिंग चीज़ें जितनी भी होती हैं राइट, वो चीज़ें आप इसके साथ जोड़ देंगे तो स्टिमुलेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली सेफ डोज कम हो जाएगा, साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा फूड के साथ अगर आप इसको दूध डालते हैं तो दूध जो है उसके जो एसिडिटी वाले
फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा कम कर सकता है। मिल्क टी जो होती है वो उसके हार्ट बेनिफिट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं हार्ट के अंदर, तो ब्लैक टी ज़्यादा इफेक्टिव है हार्ट के लिए, ये ध्यान में रखें। और मिल्क माइट बी एंड माइट बाइंड विद द एंटी ऑक्सीडेंट्स इन द टी, इस वजह से वो एब्जॉर्ब होने से रोक देता है उसको, ये बोला गया है, मगर इसका कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो कितना डोसेज लेना चाहिए आपको बेसिकली कैफीन का? कैफीन आप 40 से 120 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं पूरे दिन में, यानी कि पूरे दिन में आप इतनी कैफीन ले सकते हैं। सो मेंटल अलर्टनेस के लिए 1 से 3 कप ब्लैक टी या मिल्क टी आपके लिए काफ़ी है, उसमें आपको 30 से 100 ग्राम, एक कप में 30-40 मिलीग्राम आपको कैफीन मिलेगा। और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बेटर रहता है, एक कप चाय बहुत है। कैंसर अवॉइड करने के लिए 2 कप चाय बहुत है, तो 1 कप मिनिमम चाय ज़रूर पिया करो। चाय अलग अलग प्रकार की चाय ट्राई करते रहिए, चाय वे इतने सारे बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट मैं बता चुका हूँ। सो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू सम इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।